सोनमर्ग में इस समय जहां एक तरफ भारी मात्रा में टूरिस्ट का जमावड़ा लगा है, वहीं फुट ब्रिजेस की खस्ता हालत टूरिस्ट को बहुत परेशान कर रही है। सोनमर्ग के थाजीवस इलाके के हेल्थ रिजॉर्ट में कई लोग फुट ब्रिजेस का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन इन फुट ब्रिजेस की हालत देखकर सब परेशान है। जो लोग सोनमर्ग आते हैं वो थजीवास ग्लेशियर जरूर जाते हैं, लेकिन इस ग्लेशियर में पहुंचने के लिए कई फुट ब्रिजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इस समय टूटने के कगार पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इन ब्रिजेस को रिपेयर किया गया था, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते ये खराब हो जाते हैं और इन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। लोगों का कहना है कि जल्द ही इन ब्रिजेस को ठीक किया जाए, नहीं तो किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। टूरिस्ट पकड़ यपर की जितस गए आबस तुम बचे मुश्किल तुल कदल ना कहें वत खराब वत डेंजर ओतस गए जा त्रे मगर त्रेनवे खस्ताल गए अंदा दिवा फंडस दिवान तुम खे पानस पार लटस वो आज पगह कर शेरान ना कहें कदल गए वत ग ठीक ग कदलस गए ठीक जावेद अहमद रैना मेरा सरनामे मैं रजन गुजपारा से रहने वाला हूँ। आप सर ये देखे पुल की हालत यहाँ पे सोनमर्ग की क्या हालत है, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है सर, लेकिन वो ग्रीन बेल्ट कह रहा है कि रोड के सामने जो है सर, लेकिन इधर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। आप खुद देखे पुल पर पब्लिक जा रहा है, टूरिस्ट जा रहा है, गोडा वाला जा रहा है, लेकिन कोई इंतज़ाम यहाँ पे डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई अथॉरिटी इंतज़ाम नहीं कर रहा। आप रास्ते में देखो सर, कल भी एक बच्चा घोड़ा से गिर कर, जब रास्ता नहीं था वो मर गया, 11 साल का बच्चा था जो घोड़े ने गिराया, लेकिन उसका वजह भी क्या था, रास्ता नहीं था सर। आप सर खुद देखो हमारा ये हालात क्या है, पुल देखो सर, यहाँ पे देखो आप मीडिया वाले आए, आप देखो सर खुद क्या हालात है। पट वाले सर कुछ करता नहीं है सर, आप देखिए अगर करता था तो फिर ये हालात नहीं होता था ये रास्ते का सर। बहुत ही परेशानी आप लोगों का है सर, हम चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए, ये पुल बनना चाहिए सर, और क्या बाकी, और टूरिस्ट आना चाहिए सर बाकी। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं हरिगनवन में रहता हूँ, तहसील कंगन का गांव है सर। आजकल 6 महीने के लिए हम यहाँ रहते हैं सर, तो हम यहाँ टूरिस्ट के साथ काम करते हैं सर। यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है सर, रास्ता भी सही नहीं है सर, यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ कर लोग ब्रिज पार करें और टूटी हुई लकड़ियाँ हैं उस पर। बहुत पहले कभी यहाँ ब्रिज बना था लेकिन वो ख़त्म हो चुका है सर। खस्ता हालत है सर यहाँ की, ज़्यादा खतरा है सर यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि टूटी हुई लकड़ियाँ हैं, कोई कब पता नहीं कौन सी लकड़ी टूट जाए, क्या डैमेज हो जाए, कौन नीचे गिर जाए नदी में सर, ऐसा बहुत प्रॉब्लम। डिपार्टमेंट वाले सर यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी हैंडल करती हैं, लेकिन वो खुद भी देख रहे हैं सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। यहाँ पर रास्ता बनना चाहिए, ब्रिज बनने चाहिए, बाकी जो डेंजरस एरिया सर उन पर ग्रिल लगने चाहिए सर।